गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड योर स्टडी इज गोइंग ऑन वेरी वेल. डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वॉचिंग ऑल वीडियोज विच आर बींग अपलोडेड ऑन द यूट्यूब चैनल. सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर न्यू एंड यू हैव नॉट सीन द वीडियोज, देन यू कैन सी प्रीवियस वीडियोज सो दैट यू कैन गेट अंडरस्टैंड द नेक्स्ट रनिंग टॉपिक्स. So dear students, we have discussed last time about Bohr theory. After that we discussed about developments leading to new model, that is quantum mechanical model. Or developments में हमने discuss किया था डी ब्रोगली, dual nature of matter, and second one is Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle आज discuss करेंगे, और उससे पहले जो है हम discuss करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ फ्रॉम द पोटेंशियल अप्लाइड टू एक्सीलरेट इट. इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए जब उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, उसको एक्सीलरेट करने के लिए, चलाने के लिए, तब डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके एक्सप्रेशन हम करेंगे. इफ एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल वी इज अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन बीम, कोई इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम, बीम क्या होता है, रेड पैरेलल लाइन जो होती हैं वो बीम होता है. तो पैरेलल इलेक्ट्रॉन बीम जो है अगर मूव कर रही है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया गया वी, उसको एक्सीलेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन बीम को चलाने के लिए, द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज एक्सप्रेस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मीन्स क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए पोटेंशियल अप्लाइड किया जाता हो, तब इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी जो गेन करते हैं, एक्वायर करते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस किया जाता है. और वो किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगी, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी पोटेंशियल अप्लाइड, विच इज इक्वल टू कूल चार्ज इन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन कूलम्स मल्टीप्लाई पोटेंशियल अप्लाइड इन वोल्ट. दिस एनर्जी बिकम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, इसको किसे शो करते हैं, ई, और ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी इज द वेलोसिटी. तो वी की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू ई डिवाइड बाय एम, टू ई डिवाइड बाय एम और अंडर रूट हो जाएगा. तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू ई डिवाइड बाय एम हो जाएगी. एंड डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम डी ब्रोगली रिलेशन से हमने क्या पढ़ा है, डी ब्रोगली रिलेशनशिप, वी हैव स्टडीड दैट लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, एच प्लैंक कॉन्स्टेंट, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी इज द वेलोसिटी. तो पुट दिस वैल्यू ऑफ वी इन दिस इक्वेशन, वी गेट लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम इंटू, वी की वैल्यू पुट करेंगे अंडर रूट टू ई डिवाइड बाई एम. इसको हम फिर रिवर्स में करें तो इसका इट कैन बी रिटन एज एच डिवाइड बाई एम और अंडर रूट ऑफ एम डिवाइड बाई टू ई. यहां पर हम इसके लिए लिख सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, एम जो है इस एम को अगर अंदर लेके जाएं तो ये क्या बन जाएगा, एम स्क्वेयर बन के जाएगा. तो इट कैन बी रिटन एज एच इंटू एम डिवाइड बाई टू एम स्क्वेयर ई, क्योंकि एम स्क्वेयर है, अंडर रूट करेंगे तो बाहर एम आता है, तो इसलिए एम से एम कैंसिल हो जाता है. यहाँ से एम, यहाँ से एक एम बच गया, तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय अंडर रूट टू एम ई, ये लैम्डा की वैल्यू हो जाती है. इफ एनर्जी इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन इफ काइनेटिक एनर्जी इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन लैम्डा क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर टू एम इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये अंडर रूट हो जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, दस बाय नोइंग द पोटेंशियल अप्लाइड वी कैन कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ. तो इस एक्सप्रेशन में आप ध्यान से देखें, इन दिस एक्सप्रेशन वैल्यूज ऑफ एम, एम ई एंड एच, दीज वैल्यूज आर कॉन्स्टेंट. तो पुट दीज वैल्यूज इन दिस एक्सप्रेशन,
लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 मल्टीप्लाई 10^-34 जूल सेकंड, दिस इज द वैल्यू ऑफ एच, डिवाइड बाय अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 मल्टीप्लाई 10^-31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन का प्रचार कितना है 1.602 मल्टीप्लाई 10^-19 कूलाम, और साथ में क्या आ जाएगा वी। देन वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बाय सॉल्विंग दिस वी विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू 1.226 मल्टीप्लाई 10^-9 डिवाइड बाय अंडर रूट वी मीटर। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा एंड अंडर रूट वी पोटेंशियल अप्लाइड। दस बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अप्लाइड वी कैन कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ, वी कैन कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वी हैव स्टडीड दैट रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ फ्रॉम द पोटेंशियल अप्लाइड एंड दीज वेवलेंथ आर फाउंड टू बी दीज वेवलेंथ, ये जो वैल्यूज आते हैं वेवलेंथ की, दीज वेवलेंथ आर फाउंड टू बी ऑफ द ऑर्डर, दीज वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ आर फाउंड टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, दो बॉन्ड बनाने वाले एटम्स के बीच की जो लेंथ होती है दैट इज द बॉन्ड लेंथ। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल स्टडी सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द प्रीवियस टॉपिक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, फर्स्ट व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 किलोग्राम मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, मास और वेलोसिटी गिवन है। आंसर, फर्स्टली वी विल राइट द व्हाट इज गिवन, वेवलेंथ ऑफ बॉल लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ बॉल लैम्डा जो है कैलकुलेट करना है, लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दे, कैलकुलेट करना है मास ऑफ बॉल इज इक्वल टू 0.1 किलोग्राम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। दीज वैल्यूज आर गिवन एंड यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फॉर्मूला यूज्ड। फॉर्मूला क्या लगेगा, फ्रॉम डी ब्रोगली लेसन वी हैव स्टडीड लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, वैल्यूज लिखेंगे, एच की वैल्यू क्या होती है 6.626 मल्टीप्लाई 10^-34 जूल सेकंड। उसके बाद है वैल्यूज तीनों पुट करेंगे यहां पर, लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 मल्टीप्लाई 10^-34 जूल सेकंड और डिवाइड बाय एम मास 9.11 मल्टीप्लाई 10^-31 किलोग्राम मल्टीप्लाई वी 10 मीटर पर सेकंड। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए, और ये जो है इट कैन बी रिटन एज किलोग्राम जूल, कैन बी रिटन एज किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकंड हम इसको लिख सकते हैं। इसकी यूनिट जो है जूल सेकंड है, अनदर यूनिट जो है 6.626 मल्टीप्लाई 10^-34 किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकंड, ये भी अनदर यूनिट होती है, और 9.11 मल्टीप्लाई 10^-31
किलोग्राम इंटू 10 मीटर पर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, एक मीटर से मीटर, ऊपर मीटर बच जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 6.626 मल्टीप्लाई 10 इस टू पावर -34 है, 6.626 मल्टीप्लाई जो 10 से -31 -34 कितना रह गया, 10 इस टू पावर -3 रह जाता है। और ये 10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 इस टू पावर -4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या होता है 10 इस टू पावर -4 डिवाइड बाय 9.11, 6.626 डिवाइड बाय 9.11, दिस वैल्यू विल कम्स आउट टू बी, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल में यहाँ पर मास ऑलरेडी गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही, मास ऑफ बॉल जो है, सॉरी यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिए, मास ऑफ बॉल हमें यहाँ पर राइट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.1 ऑलरेडी गिवन है, 0.1 किलोग्राम एंड मल्टीप्लाई 10 मीटर पर सेकेंड, बहुत सिंपल था ये। तो वो बाई मिस्टेक जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा गया, कोई बात नहीं, इट कैन बी रिटन एज 6.626 मल्टीप्लाई 10 इंच पर -34 जूल, जूल की जगह लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जूल सेकेंड की जगह में लिखते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एच की यूनिट होती है। तो 0.1 किलोग्राम मल्टीप्लाई 10 मीटर पर सेकेंड, तो पर सेकेंड कैंसिल करेंगे, किलोग्राम से किलोग्राम और एक मीटर से एक मीटर कट जाएगा, 0.1 और 10 ये कैंसिल होगा आपस में, 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, यह मल्टीप्लाई से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 6.626 मल्टीप्लाई 10 इस पर -34 मीटर, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल सही, कोई बात नहीं हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेकंड। सो डियर स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, आंसर सेकंड, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है, एम की वैल्यू गिवन है 9.1 मल्टीप्लाई 10 इस पर -31 किलोग्राम, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर होता है, और इट्स वैल्यू इज गिवन है 3.0 मल्टीप्लाई 10 इस पर -25 जूल गिवन है, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, लैम्ब्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो लैम्ब्डा के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी लगता है, तो यहाँ पर हमें वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वी की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से वी की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एम की वैल्यू रखें 1/2 मल्टीप्लाई 9.1 इंटू 10 इस पर -31 मल्टीप्लाई वी स्क्वेयर, इट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 इस पर -25 जूल, यहाँ से वी का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 3 मल्टीप्लाई 10 इस पर -25 जूल मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 9.1 मल्टीप्लाई 10 इस पर -31 किलोग्राम। और अभी हमने पहले भी पढ़ा है जूल को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जूल जो ये वैल्यू क्या है, जूल में ही गिवन है, और किलोग्राम है, जूल जो है उसको किलोग्राम मीटर स्क्वेयर सेकंड लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकंड स्क्वेयर लिख सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू को जब सोल्व करेंगे, यूनिट की जरूरत नहीं है अभी, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 को मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा, 2 को जब क्रॉस मल्टीप्लाई में जाता है तो 10 इस पर -31 है, यहाँ पर -25 है, तो इट कैन बी रिटन एज 10 इस टू पावर +6 ऊपर जाएगी तो +6, या ऐसे बोल सकते हैं कि 10 इस टू पावर -6 नीचे बच जाएगा, ऊपर जाके +6 हो जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा 6 डिवाइड बाय 9.1 मल्टीप्लाई 10 इस पावर 6 हो जाएगा। तो इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, 600 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 9.1 लिख सकते हैं, या 10 इस पावर 5 रह जाएगा, 9.1 को 91/10 लिखेंगे, एक जीरो पर जाएगी, इट कैन बी रिटन एज 600 डिवाइड बाय 91 मल्टीप्लाई 10 इस पावर 5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 600 डिवाइड बाय 91 वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आएगी 6.59340 और मल्टीप्लाई में क्या होता है 10 इस पावर 5, यहाँ से वैल्यू आएगी 6.59340, दिस इज द वैल्यू ऑफ वी स्क्वेयर। तो वी स्क्वेयर की वैल्यू क्या है 6.59340, तो वी किसके बराबर होगा स्क्वेयर रूट ऑफ 6.59340
340, तो इट इज इक्वल टू 812 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 812 मीटर पर सेकंड वैल्यू आ जाती है। अब हमें लैम्ब्डा की वैल्यू कैलकुलेट करना है, एच की वैल्यू भी आ गई है, एम की और वी की भी, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो अगेन वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा। तो यहाँ पर देखेंगे लैम्ब्डा इट इज इक्वल टू 6.626 मल्टीप्लाई 10^-34 जूल है, जूल सेकंड को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, डिवाइड बाय एम इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर मास 10^-31 किलोग्राम और वेलोसिटी क्या है 812 मीटर पर सेकंड। तो पर सेकंड कैंसिल, मीटर से मीटर, किलोग्राम से किलोग्राम, यहाँ पर देखिए 10^-31 है, ऊपर 34 है, तो यहाँ से कैंसिल क्या माइनस 3 रह जाते हैं। आगे लिखेंगे 6.626 डिवाइड बाय 9.1 और मल्टीप्लाई में क्या 10^-3। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा विल बी दैट इज इक्वल टू 896.7 मीटर नैनोमीटर। इसको सोल्व करेंगे वैल्यू आएगी यहाँ से 0.8967, ठीक है 0.8967 मल्टीप्लाई में 10^-3। इसको सॉल्व करेंगे फिर 896.7 मल्टीप्लाई 10^-7 यहाँ पे क्या मीटर, और दैट इज इक्वल टू 896 मल्टीप्लाई 10^-, यहाँ से वैल्यू को सॉल्व करके ही देख लेते हैं, 6.626 डिवाइड बाई 9.1 है, इट कैन बी रिटन एज 66.26 डिवाइड बाय 91, और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 66.26 डिवाइड किया 91 से 0, यहाँ से फिर 0.66 पॉइंट है, तो 9 से 9 5 9 6 54 6 9 7 9 7 63 होता है और 9 8 72 होता है, तो 9 6 60.6 मल्टीप्लाई में यहाँ से कोई वैल्यू छुट्टी तो नहीं है, हाँ 812 भी है साथ में इसके, यहाँ पे वैल्यू जो बची हुई है 812 ये तो साथ में लिखा ही नहीं है, ये भी इसके साथ में रिटर्न है। तो यहाँ से सारे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी 896.7 नैनोमीटर आ जाती है। तो यहाँ वैल्यू जो है 812 जो है ये नीचे रह गई थी, तो वैल्यू को सोल्व करेंगे 896.7 नैनोमीटर हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट इसको करेंगे, वेवलेंथ हमें दी गई है, मास ऑफ फोटोन निकालना है। डियर स्टूडेंट्स आंसर थर्ड, लैम्ब्डा की वैल्यू क्या की है 3.6 एंगस्ट्रॉम और इट कैन बी रिटन 3.6 मल्टीप्लाई 10^-10 मीटर। इन केस ऑफ फोटोन फोटोन वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, यहाँ पर जो वेलोसिटी वी है वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगी, इट इज इक्वल टू 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से वैल्यूज को पुट करेंगे, लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, एम वी की जगह क्या लिखेंगे एच ओवर एम सी, और एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एम इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय लैम्ब्डा इंटू सी, एच की वैल्यू क्या 6.626 मल्टीप्लाई 10^-34 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड डिवाइड बाय लैम्ब्डा की वैल्यू क्या है गिवन है 3.6 मल्टीप्लाई 10^-10 और मीटर मल्टीप्लाई में सी की वैल्यू 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से मीटर और मीटर मीटर स्क्वायर कैंसिल, पर सेकेंड कैंसिल, सिर्फ किलोग्राम बच जाएगा, और यहाँ पर देखें 10^-10 है, 10^+8 है, तो कैंसिल करेंगे 10^-2 बच जाएगा, और 10^-2 पर जाके क्या आ जाएगा 10^+2, यहाँ से काट सकते 10^-2 काटेंगे
-32 रह जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 6.626 मल्टीप्लाई 10^-32 किलोग्राम डिवाइड भी क्या 3.6 मल्टीप्लाई 3। इसको डिवाइड करेंगे और 3 से अगर डिवाइड करें 3 2 6.3 2 6 और 0 और 3 8 24 236 आएगा 2.2086 डिवाइड बाय 3.6 मल्टीप्लाई 10^-32 किलोग्राम। तो 2.2086 डिवाइड बाय 3.6 इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू विल कम आउट टू बी 6.135 मल्टीप्लाई 10^-29 किलोग्राम। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने क्या किया, वी हैव स्टडीड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डी ब्रोगली वेवलेंथ। नेक्स्ट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टडिंग दिस प्रिंसिपल लेट अस डिस्कस समथिंग। डियर स्टूडेंट्स, इफ एनी कार, एनी ऑब्जेक्ट, एनी पर्सन और एनी व्हीकल इज मूविंग ऑन रोड विद पार्टिकुलर वेलोसिटी, वी कैन कैलकुलेट साइमल्टेनियसली बोथ पोजिशन एंड स्पीड ऑफ दैट पार्टिकुलर व्हीकल और ऑब्जेक्ट। इट मीन्स जो व्हीकल या ऑब्जेक्ट वो एक डेफिनेट पाथ में मूव कर रहे हैं, तो उसकी एग्जैक्ट पोजिशन क्या है और उसकी वेलोसिटी क्या है उस टाइम पर, पार्टिकुलर टाइम पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के केस में अगर हम ऐसा करते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट बोथ पोजिशन एंड मोमेंटम एक्यूरेटली विद सर्टेनिटी विद एक्यूरेसी। तो इसका मतलब क्या है कि दिस रूल ऑफ डेफिनेट पाथ, ये जो डेफिनेट पाथ पे ट्रेवल करने पर डेल्टा यानी कि उसकी पोजिशन और उसकी वेलोसिटी को एग्जैक्ट कैलकुलेट करना, ये जो रूल है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के केस में रूल्ड आउट हो जाता है। तो हाइजेनबर्ग जो है साइंटिस्ट है, उसने जो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में जो रूल प्रिंसिपल दिया, उसने कहा कि जो पोजिशन है और जो मोमेंटम है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का सेम टाइम पर साइमल्टेनियसली विद एक्यूरेसी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो देखो, इफ इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। ये कहना कि एक स्मॉल पार्टिकल, छोटे पार्टिकल का मोमेंटम और उसकी पोजिशन दोनों को एक साथ विद एब्सोल्यूट बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ निश्चितता के साथ पता लगाना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? इफ एन अटेम्प्ट इज मेड टू मेजर एनी वन ऑफ दीज टू क्वांटिटीज विद सर्टेनिटी, अगर पोजिशन और मोमेंटम दोनों में से किसी एक क्वांटिटी को सर्टेनिटी के साथ मेजर करने का अगर हम अटेम्प्ट भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, अदर बिकम्स लेस एक्यूरेट, दूसरा लेस एक्यूरेट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, मेन जो डेफिनेशन यहाँ से, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि निश्चित तो हम हो ही नहीं सकते हैं प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के केस में, तो अनसर्टेनिटी जो है इन पोजिशन और मोमेंटम, तो उसको हम देखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन डेल्टा एक्स एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, पी इज इक्वल टू एम वी, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डॉट डेल्टा वी। क्यों लिखा है, क्योंकि मास कॉन्स्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता, इसलिए डेल्टा पी इज इक्वल टू एम टू डेल्टा वी। तो दीज टू प्रोडक्ट जो है इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ये जो दोनों की मल्टीप्लाई हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी एंड इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच ओवर फोर पाई, और डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी की जो मल्टीप्लाई रहेगी वो एच बाई फोर पाई का तो बराबर रहेगी या उससे ग्रेटर रहेगी। डेल्टा पी की जगह पे एम डॉट डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 3 × 5 इट इज इक्वल टू 15, हम मान लें डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच ओवर फोर पाई बोल रहे हैं। अगर ये 3 है ये 5 है तो वैल्यू कितने 15, इसने कहा कि प्रोडक्ट हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी, अगर ये 5 हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो गया 3 और वैल्यू फिर से क्या है 15। इसका मतलब है डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की वैल्यू हमेशा
कांस्टेंट रहेगी और वो एच और फोर पाई के बराबर रहेगी या उससे थोड़ा ज्यादा रहेगी। और एम को अगर नीचे ले जाएं तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर फोर पाई एम। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस प्रिंसिपल इज वेल डिफाइंड और सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, नॉट इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। यानी कि लार्ज बॉडी जिनका मास ज्यादा होता है उनके केस में जो है ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता, सिग्निफिकेंट नहीं होता। दिस टॉपिक वी विल लर्न टुमारो एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल ऑल्सो प्रैक्टिस सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स टुमारो। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।